मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूँ। दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्कूल स्टूडेंट के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जो पुलिस के डंडे के सामने झुके नहीं, उनका हाथ तोड़ा गया, उनका पैर तोड़ा गया, लेकिन उनका सम्मान इस बात के लिए है कि हाथ पैर वो जरूर तोड़ दिए लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट के लड़ने का जज्बा वो नहीं तोड़ पाए हैं। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग वक्ताओं ने आपको डिटेल में बहुत सारी बात कही होंगी, लेकिन मैं पुराने छात्र होने के नाते एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। जो इस फीस वृद्धि की लड़ाई को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि अक्सर आप लोगों को ये सुनने को मिलता होगा कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े का नारा लगा, अक्सर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि जेएनयू के स्टूडेंट को एंटी रसल कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, जेएनयू के बारे में कि जेएनयू में वेश्याएं रहती हैं, जेएनयू में सेक्स रैकेट चलता है, जेएनयू के स्टूडेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुनकर के बहुत बुरा लगता हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी मन में आता हो कि पता नहीं कौन लोग नारा लगा करके चले गए और हम लोगों को आज इस बात के लिए तमाशा सुनना पड़ रहा है। तो उस संबंध में मैं एक बात आपको बता देता हूँ। एक चीज आप समझ लीजिए कि जब किसी विधवा की जमीन को कब्जा करना होता है तो सबसे पहले उसको डायन बताया जाता है। इसके दो उद्देश्य होते हैं, एक शॉर्ट टर्म उद्देश्य होता है, एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य होता है। शॉर्ट टर्म उद्देश्य यह है कि जब उस विधवा को डायन बता दिया जाएगा और भू माफिया जब उसकी जमीन को कब्जा करेंगे तो गांव और खास करके महिलाएं ही उन महिलाओं के पक्ष में खड़ी नहीं हो पाएंगी। और दूसरा, सदा सदा के लिए समाज में मानसिकता स्थापित कर दी जाएगी कि महिलाएं ड्राइंग होती हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल है। जेएनयू के सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ इस मंच से पुराने विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, और जो लोग यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जेएनयू 1969 में बना था। जिस घटना का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो घटना 2016 की है, तो 2016 से पहले भी जेएनयू था और 2016 के बाद भी जेएनयू है, इस बात को आप समझिए। तो 2016 की घटना का जिक्र इसलिए बार बार है ताकि आपकी हर जायज मांग के पीछे आपके उस सवाल को कैसे गुमराह कर दिया जाए, कैसे उसको दबा दिया जाए। जब आप कहते हैं कि हमारी फीस क्यों बढ़ाई गई तो वो जवाब में कहते हैं कि जेएनयू में इंटरनेशनल पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं कि हमको साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा तब वो जवाब में कहते हैं कि विवेकानंद की मूर्ति को खराब कर दिया गया है। साहब, आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं हो रही है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने साफ साफ कहा कि जो मूर्ति को के नीचे अपशब्द लिखे गए हैं जेएनयू स्टूडेंट उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपने बार बार देखा होगा कि प्रोपेगेंडा चैनल ने उस बात को जोर शोर से उठाया। हम भी एक सवाल यहां से खड़ा करना चाहते हैं कि विवेकानंद से यदि इतना प्यार है आपको तो विवेकानंद के नाम पे लड़कियों के लिए एक नई यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। मसला क्या है? मसला यह है कि वो दीवार पे जो काली पोती गई है इसको तो वो हाईलाइट करना चाहते हैं, जूम करके अपने कैमरे के फ्रेम में दिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य में जो अंधकार घोल दिया गया है उसमें जो तारीख को दी गई है उसको वो नहीं दिखाना चाहते हैं। और जेएनयू को बदनाम करने के लिए जो प्रचलित मान्यता होती है समाज का कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाकर के अय्याशी करती हैं, उस प्रचलित मान्यता को आधार बना करके आम नागरिकों के बीच ये मैसेज कहना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आपके टैक्स के पैसे से जेएनयू के स्टूडेंट मौज उड़ा रहे हैं। तो मैं देश के प्रिय टैक्स पेयर्स को कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर तो 10-20 करोड़ खर्च किया जाता है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा पे 255 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जेएनयू के स्टूडेंट आपके पैसे पर याची नहीं कर रहे हैं, आप
आपके पैसे पे अगर कोई अय्याशी कर रहा है तो वो इंसान है जिसको आप अपना प्रतिनिधि चुनकर के इस देश की संसद में बिठाते हैं, वो आपके पैसे पे अय्याशी कर रहा है। आप देखिए कि टैक्स पेयर के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए 192 करोड़ का प्राइवेट जेट जरूर खरीदा जाना चाहिए। अभी हरियाणा की सरकार ने कहा कि जो हरियाणा के विधायक हैं उनको 20,000 रुपया अलग से दिया जाएगा बिजली बिल देने के लिए, हमसे अलग से पैसा लिया जाएगा बिजली बिल को वसूल करने के लिए। विधायक जी करोड़पति हैं, आप पति हैं, उनको फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा लेकिन स्टूडेंट को फ्री में रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये मानसिकता क्या है, इस मानसिकता को समझिए। और ये जो आपकी मूल लड़ाई है उस मूल लड़ाई को बार बार गुमराह करने के लिए कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस मंच से खड़ा होकर के बोलता हूँ, सरकार को चैलेंज करता हूँ, है तुम्हारी कुबत फाइल करो चार्जशीट, जेल में डालो, फांसी पर लटका दो। इस बदनामी की साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुमको बता देना चाहते हैं कि अरे अब हम तो अभी पढ़ करके जेएनयू से निकल गए, हमसे पहले कितने आए जेएनयू में पढ़े और जेएनयू का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानबूझ करके हमको और हमारे जैसे लोगों को एक बैड एग्जांपल की तरह, एक सिंबोलिज्म करके इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी की लेगेसी को आप बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझसे जेएनयू की पहचान नहीं है, जेएनयू के सहारे मैं खड़ा हूं, जेएनयू को पहचान से मैं चल रहा हूं। अगर आपको जेएनयू की पहचान करनी है तो जेएनयू की पहचान किसी एक घटना से नहीं होगी, उसका 50 साल का जो समाज को कंट्रीब्यूशन है उससे होगा। और उस घटना के संबंध में मैं आपको बता देता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी विधवा महिला को जब समाज में बुरी नजर से देखा जाता है, जब उस पर उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया जाता है, अगर महिला उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है तो वो बहुत सती सावित्री हो जाती है, अगर महिला उसका प्रतिकार कर देती है, उसका विरोध कर देती है तो उसको बदचलन करना शुरू कर देते हैं। आप जेएनयू के विद्यार्थी हैं, आप में वो कुवत है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जेएनयू आपको सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए नहीं सिखाता है, आज जेएनयू आपको सवाल के जवाब के उस जवाब पर भी सवाल करना सिखाता है। ये जेएनयू के कारण और इस ताकत के चलते ही सरकार ये चाहती है कि अगर इसको साध लिया जाए, वो कहते हैं ना एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उनको लगता है कि जेएनयू को अगर हम साध लिए, जेएनयू को अगर हम जियो मॉडल का यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गए तो बाकी यूनिवर्सिटी की हालत तो आप जानते हैं। मैं बड़े शर्म के साथ एक बात आपको बताता हूँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है, मैं गारंटी करता हूँ कि उस ट्वीट में जो स्पेलिंग है उसकी शुद्धता को देख करके लगता है कि वो ट्वीट खुद से तो नहीं कर सकता है। और जिस यूनिवर्सिटी में वो इंसान खुद पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, वहाँ बीए 3 साल में नहीं होता है, बीए 4 साल और 5 साल में होता है। उस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल की आप हालत देख लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पहले ही बर्बाद किया जा चुका है। आप स्टेट यूनिवर्सिटी को जाकर के देख लीजिए, आप सरकारी स्कूलों को जाकर के देख लीजिए, आप सरकारी शिक्षण संस्थानों की हालत को देख लीजिए। कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है जहां पे ठीक से पढ़ाई हो रही है, और जहां पढ़ाई हो रही है वो भी सरकार के आंख में कांटा बना हुआ है। इसीलिए उनका यह प्रयास है, जैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया कि कोई वंचित धनुष सीखने का साहस नहीं कर पाए, उसी तरीके से ये जो आज के द्रोणाचार्य हैं ये फीस बढ़ा देना चाहते हैं कि आज के वंचित लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। ये जो साजिश है, ये जो मॉडल है, उसको समझने का जरूरत है। और सबसे दुखदायी बात यह है कि जिनके बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ते हैं उनके दिमाग में सबसे ज्यादा यह बात घुसाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके पैसे की बर्बादी हो रही है। इसके डेटा पे हम लोगों को बात करना चाहिए कि कहां पैसे की बर्बादी होती है। जब 3,000 करोड़ रुपए में इस देश में मूर्ति बनती है तब पैसे की बर्बादी नहीं होती है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को जब पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है तब पैसे की बर्बादी होती है। ऐसा क्यों होता है, ये नजरिया क्यों बनाया जा रहा है? ये नजरिया इसलिए बनाया जा रहा है कि मैरिट के इस लॉजिक में फंसा करके
जो हमारी असली लड़ाई है उसको गुमराह किया जा सके। कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट को मेरिट नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह का जो बेटा है, जो देखने में बिल्कुल उनका फोटोकॉपी लगता है, जो जैसा है, उसका क्या मेरिट है? उसको कैसे बना दिया गया है बीसीसीआई का सेक्रेटरी? मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू के किसी स्टूडेंट को पकड़ करके अमित शाह खुद अपने कमरे में बुला करके क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम पर ही बहस कर ले। मेरिट का लॉजिक वहीं से आता है कि जो लोगों को लगता है कि हमारे घर में काम करने वाली का बच्चा जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ करके पीएचडी कर लेगा, अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी तो छोड़ो, चाइनीज भी बोलेगा, जर्मन भी बोलेगा, स्पेनिश भी बोलेगा, तो उनको लगता है कि ड्राइवर का बेटा हमारा ड्राइवरी नहीं करेगा। और इसी मानसिकता के चलते आज इस देश की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है। एक हंसाने वाला व्यक्ति है, रेडियो में काम करता है, बोला कि 10 रुपए से 300 रुपए बढ़ा दिया गया है। अरे दोस्त, जब तुम बाजार में केला खरीदने के लिए जाते होगे ना, तो कहता होगा 40 रुपए दर्जन, तो कहता होगा 30 रुपए दर्जन में मिल रहा है। जब केला खरीदने के लिए जाते हो तो 10 रुपया का बार्गिन करते हो, और तुमको 10 रुपए और 300 रुपए में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। लास्ट में जो चैनल तुमको सैलरी दिया होगा ना, उसमें अगर 300 रुपया काट करके भेजे, तब देखे कि तुम 300 के खिलाफ सवाल उठा रहे हो। मसला 300 का नहीं है, मसला 10 रुपए या 20 रुपए का नहीं है, मसला उस मानसिकता का है कि इस देश में शिक्षा बेचने की वस्तु होगी या लोगों का संवैधानिक अधिकार होगा। मसला इस बात का नहीं है कि एजुकेशन में लोगों से सेल्फ फाइनेंस के मॉडल पे पैसा वसूला जाए, इस पे हम लोगों को प्रश्न करने की जरूरत है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 10 रुपए से बढ़ाकर के 300 रुपया नहीं किया गया है। जब आप टोटल फीस को देखेंगे तो उसको बढ़ाकर के 65,000 से 70,000 रुपया सालाना कर दिया गया है। और जेएनयू का आंकड़ा कहता है कि 100 में से 40 ऐसे विद्यार्थी है जिनकी सालाना आमदनी परिवार की 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में। बोलो, जिनको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलता है, मुझे बताइए वो कैसे अपने एक बच्चे पे 65 से 70 हजार रुपया खर्च कर पाएंगे? और इसका सबसे पहला असर किसके ऊपर होगा? इसका सबसे पहला असर इस देश की लड़कियों के ऊपर होगा। मैं अपनी फैमिली का उदाहरण देता हूँ। मंच पे खड़ा होकर के ये नहीं बोलूंगा कि मेरा परिवार बड़ा प्रोग्रेसिव है। मेरी बहन जब 10th का एग्जामिनेशन पास की, उसका पढ़ाई बंद कर दिया गया। लेकिन जब मैं 10th पास किया तो मुझे पढ़ने के लिए पटना भेज दिया गया। क्यों? हमको सुरखाब के पंख लगे हुए हैं। हम ही दुनिया भर का सबसे मेरिट लेकर के पैदा हुए थे। हमको अवसर मिला क्योंकि हम बेटा थे। हमारी बहन को अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बेटी थी, उसको हायर एजुकेशन में नहीं भेजा गया। अगर ये फीस भी की गई और 1.5 लाख सालाना आमदनी वाला यदि परिवार है, अगर उसको एक लड़का को और एक लड़की को पढ़ाने का ऑप्शन होगा तो वो लड़की को नहीं पढ़ाएगा, और जब लड़की नहीं पढ़ेगी तो वो जेएनयू का प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगी। ये जो फीस भी दी गई है, सीधे तौर पे समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीबों, किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में जिसको पैसा है वो तो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ रहा है। और वही आदमी कहता है कि शिक्षा की सब्सिडी पे खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसा है, लाज अगर होगा ना तो आईना में अपना मुंह देख लीजिए। है तो वो भी किसी देश की जनता के टैक्स का पैसा है, और वो भी किसी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सब्सिडी है। आपका बच्चा सब्सिडी पे पढ़े और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई और टैक्स भरे तो आप छाती चौड़ा करके घूमते हैं। और अपने ही देश में जब आपका टैक्स का पैसा इस देश के गरीब विद्यार्थियों के ऊपर खर्च होता है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्या कहते हैं कि आईफोन यूज करता है? अरे हम तो आईफोन क्या, हम तो एप्पल का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, एप्पल का घड़ी खरीदना चाहते हैं, और एप्पल का कुछ होता है क्या? अरे हम तो कहते हैं कि एप्पल ही बहुत महंगा हो गया है, हम तो रोज सुबह में एप्पल खाना चाहते हैं। क्यों? आप ही आईफोन यूज कीजिएगा, हम आईफोन नहीं यूज करेंगे। ये बोलिए ना कि हमने चोरी की है, हमने बेईमानी की है। अरे जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्ट्रगल करके हमने पढ़ाई की, आज स्ट्रगल करके अपनी नौकरी कर रहे हैं, और बाहर निकल करके किसी आम टैक्स पेयर से जेएनयू के स्टूडेंट ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। बात मैं आपको बता देना चाहता हूं।
आदमी जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिला है उसको भी चुनाव लड़ने से पहले आईटीआर भरना पड़ा था, बता दीजिए। टैक्स कौन नहीं भरता है? डायरेक्ट टैक्स भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, सिर्फ आप ही लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। और ये टैक्स का तर्क देने वाले लोग हैं उनको देखिएगा कि मार्च में सबसे ज्यादा सीए का ऑफिस का चक्कर वही लोग लगा रहे हैं। और टैक्स का पैसा का अगर इतना चिंता है तो हम कहते हैं कि चिंता कीजिए, बेशक चिंता कीजिए, लेकिन सवाल ये मत पूछिए कि जेएनयू की शिक्षा महंगी सस्ती क्यों है, ये पूछिए कि आपकी शिक्षा महंगी क्यों है, ये सवाल आपको। और सरकार हर बात में कहती है कि पैसा नहीं है, तो एक बात बताइए, मोटा भाई को विधायक खरीदने के लिए पैसा है तो देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है? करोड़ों करोड़ रुपया देकर के विधायक खरीद रहे हैं। कर्नाटक का एक विधायक बोला हमको 700 करोड़ ही मांगे थे, मोटा भाई हमको 1000 करोड़ दे दें तो बेस्ट पढ़ाई करा सकते हैं। इस मानसिकता को समझिए, और इस मानसिकता को जब हम समझेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो मैं अब जेएनयू में नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं मैं बेगूसराय से सीधे आया हूं। पूरा देश आज जेएनयू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और जेएनयू ने जो सवाल उठाया है कि शिक्षा सबका पढ़ने का अधिकार है, यह अमीरों को मिलने वाला खैरात नहीं है। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है और शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। एजुकेशन हमारा राइट है, ये हमारा प्रिविलेज नहीं है। और जिस तरीके से प्राइवेट संस्थानों में पहले से ही गरीबों को बाहर कर दिया गया है, उसी साजिश के तहत पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को भी तबाह किया जा रहा है। और एक बात और बता देते हैं, इन लोगों को जमीन से बड़ा प्रेम है। ये जब भी बसंतपुर से गुजरते हैं ना, या बसंत स्क्वायर मॉल में बैठ करके लगा रहे होते हैं शाम को, तो सामने जेएनयू देख करके कहते हैं, डू यू नो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस लैंड? सुनिए, ये जो आपका नजरिया है ना, इस नजरिए के खिलाफ है हम। ये देश जितना इस देश के अमीरों का है उतना ही देश के गरीबों का है। ये देश जितना दिल्ली के कमिश्नर साहब का है उतना ही दिल्ली के कॉन्स्टेबल का ही है। इस देश को इस तरीके से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो हम इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं बचाएंगे। और जब जिस देश में शिक्षा नहीं बचेगी वह देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत बता देता हूं, जहां 20,000 स्टूडेंट हैं वहां 10 शिक्षक हैं। जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है उनको भी उस पढ़ाई से दिक्कत है। और कई बार क्या कहते हैं कि जेएनयू के टीचर ही जेएनयू के खिलाफ में लिखे हैं, तो हमको एक बात बताइए, बेवकूफों का कोई गांव होता है? बेवकूफ का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में बेवकूफ पाए जाते हैं। जेएनयू में भी कुछ है जो मोदी मोदी का भजन गा रहे हैं, ठीक बात है, गाने दीजिए, लेकिन ये सवाल राइट लेफ्ट का सवाल नहीं है, ये राइट रोंग का सवाल है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो लेफ्ट राइट का सवाल इसको बना रहे हैं, मैं समझता हूं वो जानबूझ करके ये सवाल बना रहे हैं ताकि आम जनता से इस सवाल को काट दिया जाए। और आम लोग जो हैं उनका जेएनयू से जो एक संबंध हो सकता है उस संबंध को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन मैं आप जेएनयू के विद्यार्थियों को आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके स्टूडेंट यूनियन को, टीचर्स एसोसिएशन को, और वो सारे संगठनों को जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, कि आपने इस बिकी हुई मीडिया को तमाम उनकी कोशिशों के बावजूद जो दिन भर हेडलाइन मैनेजमेंट करने में लगे हुए रहते हैं, आज महाराष्ट्र के हंगामे के बीच यह बात दब गई कि भाजपा आतंकियों को फंडिंग करने वाली कंपनी से फंड लेकर के आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसको मास्टर स्टोर बोलते हैं। इस महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण में यह बात दब गई, लेकिन आपकी इस लड़ाई को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आपने सड़कों पर लड़ने के उस साहस को बरकरार रखा। आपके ऊपर लाठियां चलाई गई, आपके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, तमाम तरीके की बदतमीजियां आपके ऊपर की गई, लेकिन आपने अपने साहस से और अपनी एकता से इस देश की जनता को यह मैसेज पहुंचा दिया है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस देश में आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं। और इसका नतीजा हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अब यह मांग उठने लगी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी तरीके से आप एकताबद्ध रहिए, और उस नारे को दोहरा करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा फीस वृद्धि के हथियारों से हम भी उसको ध्वस्त करेंगे। एकता बद्ध
कतारों से, एकता पथ कतारों से अपने सपनों के साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।